नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है फीस रेगुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो केरला के स्टेट के बारे में है और यहाँ पर फीस रेगुलेटरी कमेटी को कुछ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं केरला के हाईकोर्ट ने, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि केरला के स्टेट के लिए फीस रेगुलेटरी जो कमेटी है AFRC एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी, उन्होंने फीस रेगुलेट कर दिया है। लेकिन यहाँ आप जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस किया है और केस में उनका यह कहना है कि फीस रेगुलेटरी कमेटी में जितना भी मेंबर्स थे, 26 मेंबर्स थे, वह सभी मेंबर उस दिन पर प्रेजेंट नहीं थे जब फीस के अपर लिमिट है वह डिसाइड हुई। उनकी वजह से हाई कोर्ट ने फीस रेगुलेटरी कमेटी को यह ऑर्डर दिया है कि वह जो पहले की फीस रेगुलेट की गई थी उन्हें कैंसिल किया जाए और उनको 1 से 2 महीने में नया लिस्ट बनाना है, एक नया रेगुलेशन बनाना है कि अपर लिमिट ऑफ फीस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, केरला के स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके पास खुद अथॉरिटी होती है खुद की फीस सेट करने के लिए। आप सभी को यह सुनकर अच्छा लगेगा, हाई कोर्ट ने यह कहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर को कि वह लोग अपने हिसाब से फीस रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक फीस रेगुलेटरी बनाई गई है और जो फाइनल फीस डिसाइड करती है फी रेगुलेटरी कमेटी, वही फीस इस साल यूज़ की जाएगी। यानी हाई कोर्ट ने यह कह दिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर को कि वह लोग अपने हिसाब से फीस सेट नहीं कर पाएंगे, फीस जो है वह रेगुलेट ही रहेगी। और यह अच्छी खबर मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अब फाइनल फीस जैसे भी रिलीज़ होती है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फीस जो है रेगुलेट ही रहेगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने हिसाब से फीस सेट नहीं कर पाएंगे। तो बस इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।